हमारे नौजवान लोग नाराज ना होना, बाजे मरतबा आइंदा इस बात का लिहाज रखोगे, ये रमजान तो खत्म हो गया, आइंदा लिहाज रखोगे। तरावी में उठना बैठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे तुमको तकाते हैं ना पेशाब के पानी के, ऐसा मुझे भी तकादा होता है, लेकिन मैं कंट्रोल करता हूँ। हम जब दुनिया के लिए सिनेमा में जाते हैं, फिल्म में जाते हैं, 3 घंटे के लिए टिकट खर्च करते हैं, वहां उठकर बैठते हैं ना, अरे बोलो ना, अल्लाह के बंदे हो ना, जरा दिल से इस बात को सोचो कि उस वक्त हम उठते हैं बैठते हैं क्या करते हैं, तवज्जो से कहीं मेरा सो छूट ना जाए। अरे यही होता है, नहीं होता मेरा सो छूट ना जाए। अल्लाह का कुरान सुनने में हमें इतनी परेशानी होती है कि कभी वजू खाने में जाता है, कभी सीधा होता है, कभी उल्टा होता है, पता नहीं कैसे क्या हरकतें करता है। उस वक्त एहसास नहीं है कि ये कुरान सुनना फायदे से खाली, बोलो फायदे से खाली नहीं है, बल्कि जरूर फायदा है। तुम पढ़ना नहीं जानते हो, सुनोगे तो तुम्हें पढ़ने वालों के बराबर ही सवाब मिलेगा। अगरचे तुम पढ़ना नहीं जानते हो, लेकिन कुरान पढ़ाने वाला कुरान तुम्हें सुना रहा है और तुम नाकदरी करते हो, तो फिर अल्लाह का अदब भी जोश में आ सकता है, अल्लाह का गजब भी जोश में आ सकता है कि मेरे बंदे तुझे कुरान सुनाने के लिए आए और तुम नाकदरी करता है, तू पढ़ना नहीं जानता। कम से कम तवज्जो से सुन तो ले, कम से कम तवज्जो से। तो आइंदा इस बात का बयान में भी ऐसा करते, बस उठना बैठना पता नहीं क्या है, तवज्जो फिर हट जाती है भाई। तो आइंदा ऐसा ना करो, माफ कर देना भाई, अगर तकलीफ पहुंची आपको मैं अल्लाह के लिए माफी मांगता हूँ आपसे, लेकिन ये बात गलत है, बोलो गलत है कि नहीं। हम कंट्रोल, देखो पहले वक्त दिया जाता है, मगरिब से इशा तक का कितना सारा वक्त होता है, उसमें हम पेशाब से पानी लेते हैं, पानी की प्यास का तकाजा है, बोतल लेके आओ साथ में, बोतल को करीब में रखो, पानी पियो, लेकिन उठना बैठना ना करो, एक ही जगह पर बैठे रहो। देखो एक जगह पर बैठे रहोगे, जमात के साथ अल्लाह का हाथ है, अल्लाह की जहाँ कुरान पढ़ा जाता है ना, अल्लाह की रहमत बरसती है, हम भी उस रहमत में शामिल हो जाएंगे, लेकिन अगर हम निकल गए रहमत से तो फिर रहमत से हम महरूम हो जाएंगे। ताहिता इस बात का याद रखोगे, मैंने पूरे रमजान में ये बात नहीं बताई, मैंने कहा आप नाराज हो जाओगे, इसलिए मैंने कहा आखिर में बता दूंगा, आप नाराज हो जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे 2 दिन बाद बाहर जाना है यहाँ से, इसलिए अब तो कोई फर्क पड़ता नहीं, इसलिए कि मुझे 2 दिन बाद यहाँ से चले जाने का है, वरना पहले होता तो पता नहीं तुम जल्दी से रवाना कर देता। आइंदा होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह हमें पता नहीं था, आज तक नौजवानों को पता नहीं था कि अल्लाह का कुरान अजमत से सुनना चाहिए, अब पता चल गया, अब अजमत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। शौक के साथ सुनो मेरे प्यारो, जी लगे तब भी सुनो, न लगे तब भी सुनो। देखो हम दुनिया का कारोबार करते हैं, कभी कभी महबूब भाई आप आम की नारी लेकर खड़े रहते हैं, लेकिन जी नहीं चाहता, चाहता है जी धूप में खड़े रहने को, बोलो चाहता है जी? काजल अली साहब आपको सफर करने को जी चाहता है, लेकिन क्यों करते हैं? दुनिया का नफा है इसमें, नहीं करेंगे तो पेट कहाँ से भरेगा, खाना कहाँ से खाएंगे? तो हम ये सोचते हैं, तो इसमें भी यही सोचो, हमारा जी लगे तब भी सुने, न लगे तब भी सुने, इसलिए कि अगर जी नहीं लगेगा तब भी सुनेंगे तो आखिर का नफा है कि नहीं? बाजे लोग सोचते कभी कभी दो रकात नफल पढ़नी होती है ना, तो सोचते दिल में आता है नफल तो पढ़ना अल्लाह वालों का काम है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर दिल में बात आती नहीं पढ़ लो, क्या बात आती है फौरन पढ़ लो, फिर पढ़ने का इरादा करता है तो सोचता है ऐसी नफल क्या फायदा, पहले ना आ गया दिल में पढ़ूंगा क्या फायदा, हालांकि उस नफल पर ज्यादा सवाब मिलेगा उसको, एक जी लगता था वो नफल तुमने पढ़ी उसका तो सवाब मिलना ही मिलना था, लेकिन जो नफल तुमने जबरदस्ती से पढ़ी है उसका सवाब ज्यादा मिलेगा।